हेलो जी। हेलो 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 भैया, लखनऊ में जब मार पिटाई करनी होती है तो लोग कहते हैं भैया तुम्हारी रेल बना दी जाएगी, आज तो तुम्हारी जो है रेल बना देंगे घर पे पापा हैं। अब ये रेल बना देंगे क्यों कहते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि रेलवे मटन करी कैसे बनाते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। बनाते हैं रेल वे मटन करी, ठीक है जी। म्यूजिक के बाद कॉलिंग एंड एक्शन। देखिए मटन करी की कहानी जो है ये सुना दी जाएगी आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि इसके फंडामेंटल समझ लीजिए। फंडामेंटल ये है कि बहुत स्पाइसी नहीं होती है। दूसरा फंडामेंटल ये है कि ये सरसों के तेल में ही बनती है। तीसरा फंडामेंटल ये है, और वो सबसे ज़रूरी फंडामेंटल है, कि इसमें अगर आलू नहीं पड़ा तो ये रेलवे मटन करी नहीं। अगर आपका मूड है तो संडे को आप 300-400 ग्राम मटन अकेले खा सकते हैं, वैसी स्पाइसी होती है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। लेकिन अगर आपको स्पाइसी करनी है तो उसका तरीका मैं बता दूंगा। लाल मिर्च से स्पाइसी ना करें, इसका कैरेक्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैरेक्टर लेस हो जाती है, मैं कह रहा हूँ कि इस मटन करी का कैरेक्टर जो है वो लाल मिर्च नहीं है, ब्लैक पेपर और हरी मिर्च। तो अगर तीखापन बढ़ाना है तो काली मिर्च और हरी मिर्च से बढ़ाएं। मुद्दे की बात ये है, लेकिन लखनऊ वालों को जो मटन काटना आता है किसी को नहीं आता, बम्बई वालों को तो बिल्कुल नहीं आता साहब, हैदराबाद वालों को थोड़ा कम आता है, बता रहे हैं आपको। लेकिन हर रेशे की कीमत होती है, ऐसे थोड़ी ना कहीं से भी छुरी चला दी, कैसे चला दी। ये राजी सरसों का तेल, कितना ऐसे मजबूर सा कुकर था, कुकर नया ले दो यार। क्या कह रहे हो, YouTube में सब्सक्रिप्शन नहीं आते, कर दो सब्सक्राइब, मेरे को नया कुकर मिल जाएगा, करवा दो। चलो इस वीडियो के जैसे ही आएंगे मिलियन व्यूज हम ले लेंगे नया कुकर, प्रोड्यूसर साहब को हम अर्जी डाल देंगे। सब बिजनेस हो गया भाई, प्यार मोहब्बत ही कोई जगह नहीं। ये लो जी, ये आलू बड़ा बड़ा काटना है, छोटा नहीं काटना। इसमें डालना है नमक और हल्दी, मटन मैरिनेट हो गया, आलू अब फ्राई कर लेंगे। यही है और है नहीं इसमें कुछ, अगर आपको लगा है बहुत मुश्किल रेसिपी है तो बिल्कुल गलत लग रहा है। ओके जी, सरसों के तेल को धुआं देना बहुत ज़रूरी है। तो ये गया आलू, अंडे को सिर्फ रंग देना है साहब, हैं अंडे को ज़्यादा पकाना नहीं है, कलर देना है और मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर देना है। अंडा बोल दिया मैंने, आलू सॉरी, हमारी घरवाली पीछे से अंडे की रेसिपी कर रही थी तो हमने इसको अंडा बोल दिया, सॉरी। आलू तल के ही डालना है, जिस रेलवे मटन करी की रेसिपी में कच्चे आलू को मटन के साथ डाला हुआ है उस रेलवे मटन करी की रेसिपी को निगलेक्ट, इग्नोर, माइनस कर दें अपनी मेमोरी से। क्यों? बंगाली कनेक्शन, बंगाली खाना, बंगाली कुक्स, बिरयानी भी जब बनती है उसमें भी आलू जो है तल के पहले रखा जाता है, कलकत्ता बिरयानी जब बनती है। स्लाइस प्याज, सम थिंग्स कैन नेवर चेंज है, हमारा और प्याज का ये रोना रुलाना नहीं बदल सकता। अब जो है कायदे से रेलवे मटन करी में तीन मसाले पड़ते हैं, एक तो पड़ता है धनिया पाउडर, एक पड़ता है हल्दी पाउडर और एक पड़ता है एक स्पेशल मसाला मिक्स, ठीक है। स्पेशल मसाला मिक्स जब हम बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे, वैसे भी अभी नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा आलू के साथ बाद में। प्याज को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कितना पकाना है प्याज को, एटलीस्ट इतना पकाना है कि जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए उसके बाद 10 मिनट और पके, यानी कि हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए तब तक इसको पकाते रहना है। बाद में इसके अंदर डाल देना है अंडा, मटन। चेक कर रहा था भैया,
हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया, इसका मतलब टाइम टू पुट द मटन। मसालों की खुशबू है, प्याज की मिठास है और सरसों के तेल की झांझ है। सरसों के तेल की झांझ इसलिए बिकॉज रॉ वो डाला था ना सरसों का तेल मटन के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर मटन को भी पकाना ज़रूरी है और सरसों के तेल को भी पकाना ज़रूरी है। कच्चा छोड़ दिया तो फिर वो कच्चे सरसों के तेल की स्मेल आएगी। ये वो वक्त है जब तक ये पक रहा है हम बना लेते हैं अपना स्पेशल मसाला। ठीक, ये है सौंफ एक छोटा चम्मच, एक बड़ा चम्मच धनिया, लगभग 1 इंच पीस ऑफ सिनेमन, 2 से 3 इलायची और स्टोन फ्लावर मेरे पास है इसलिए डाल रहा हूँ, ऑप्शनल है, काली मिर्च। और जैसा मैंने कहा कि ये एंग्लो इंडियन खाना था, एंग्लो इंडियन खाने में स्पाइसीनेस लाल मिर्च से नहीं दी जाती थी, यहाँ काली मिर्च या हल्का सा टच जो है वो हरी मिर्च का, सिर्फ फ्लेवर के लिए, फ्रेशनेस के लिए। मसाले को 70% भूनना है, बेसिकली धनिए के येलो होने तक। ठीक है जी, और मटन को भूनना है या मटन को छोड़ देना है जब तक कि प्याज जो है वो घुलना ना शुरू हो जाए। ठीक है जी, और आप एक काम करिए, आप इसको पीस लाइए, हैं, थैंक यू वेरी मच, एकदम बारीक पीस दीजिएगा, चाय पत्ती जैसा नहीं, एकदम बारीक, नमक जैसा। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जो है भून के रेडी होने वाला है। बाकी प्याज का आप देखिए, 5 प्याज डाल दिया इसमें, हैं, मटन में जितना मर्जी प्याज डाल दो जब भूनोगे तो तुरंत जो है वो गायब हो जाता है। प्याज जो है मटन में ऐसे मुँह छुपाता है जैसे ईशान शरारत करने के बाद मुँह छुपाता है, तो प्याज का कंजूसी मत करिए साहब, मतलब मॉरल ऑफ स्टोरी है, प्याज में कंजूसी मत करिए। ये देखो जी, हमारे पास ये साइज़ के टमाटर है, ठीक है, ये साइज़ के हमने लिए हैं 5 टमाटर और उसका प्यूरी बना लिया मिक्सी में, ना उसको छीला है ना बीजे निकाले, कुछ नहीं किया हमने। प्याज डालने के बाद भुनाई अगर कम हो तो चल जाएगा, टमाटर डालने के बाद भुनाई कम नहीं हो सकती साहब, है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तेल छूटना शुरू हो गया है, हमारी मेहनत फल लेके आ रही है, रास्ते में है बस मेहनत फल लेके आ रही होगी। ये देखिए आ गई मेहनत फल ले गए, थैंक यू वेरी मच, मसाला आ गया साहब। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये ध्यान से देखिए, ग्रेवी फट गई, तेल छूट गया, गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप क्वांटिटी में बना रहे होते हैं तो गर्म पानी डालिए, मतलब 1 किलो मटन का फ्लेवर इतना ख़राब नहीं होता थोड़े से ठंडे पानी से, लेकिन अगर आप क्वांटिटी में बना रहे हैं तो गर्म पानी ऊपर से डालिए वरना फ्लेवर जो है ना वो ड्रॉप हो जाता है। कुकर का ढक्कन लगाने से पहले नमक वमक चेक कर लें क्योंकि उसके बाद जो हो गया वो हो गया। अभी इसमें डालना है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि एक्चुअली हर रेलवे मटन करी में पड़ना चाहिए, ठीक है जी, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये इमली। देखिए रेलवे मटन करी को समझने के लिए इंपीरियल इंडियन मेल समझना बहुत ज़रूरी है। 40 घंटे की एक ट्रेन थी जो मुंबई से लेकर हावड़ा तक चलती थी और जो इंटर्न एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी जो लंदन से लेकर यात्रियों को रंगून तक लेके आता था। लंदन से इटली लोग ट्रेन पर जाते थे, इटली से मुंबई शिप पे आते थे, फिर मुंबई से कोलकाता 40 घंटे की इंपीरियल इंडियन मेल होती थी और उस इंपीरियल इंडियन मेल पे जो खाना मिलता था उसके रिस्पॉन्सिबल थे बंगाली कुक्स जो कि हावड़ा के थे या बांग्लादेश के थे। और उन बंगाली कुक्स को ये समझ में आ गया कि जो एकदम से लंदन से आ रहा है उसका पेट एडजस्ट होने में लगेगा वक्त। उन्होंने एक नॉन स्पाइसी करी क्रिएट करी जिससे कि रेलवे मटन करी कहा जाने लगा। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट कोकोनट मिल्क नहीं था, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट था टैमरिंड। उसका कारण यह है कि इमली जो है वो मटन को प्रिजर्व कर लेती थी, ख़राब नहीं होने देती थी, उस समय रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते थे, प्लस लोगों का पेट ज़्यादा ख़राब नहीं होता था। ये कारण है कि हर एक्चुअल रेसिपी ऑफ रेलवे मटन करी में इमली पड़ती, राइट, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द रेलवे मटन करी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पीरियल इंडियन मेल एंड द 40-hour जर्नी दैट कनेक्टेड द 2 most important cities मुंबई एंड कोलकाता। इमली डालने के बाद पहले उसको एक उबाला दें, उसके बाद ढक्कन लगाएं। क्यों? क्योंकि इमली की जो ऑफ स्मेल होती है, जो खटास होती है, जिसको हम लोग कसैलापन बोलते हैं थोड़ा बहुत, वो इस बॉयल में निकल जाएगा, राइट, तो पहले खुल के उसको एक बॉयल दें इमली के बाद फिर ढक्कन लगाएं, वरना प्रेशर कुकर के अंदर वो कसैलापन जो है वो
मिक्स हो जाता है, दब जाता है। ये कभी ना हुआ हमसे, इसलिए बोल रहा हूँ नया कुकर दिलवा दो, थोड़े दे दो व्यूज़ वगैरह, हमारे प्रोड्यूसरों को लगे कि हाँ भाई रणवीर कुछ पैसे वैसे कमा सकता है यूट्यूब पे। ओके जी, मटन जो है कुक कर लिया है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट समझते हैं ना आप, मतलब 100% नहीं, थोड़ी सी कसर जो है वो मटन में भी हमने रखी है। क्यों? क्योंकि आलू डालना है ना अभी। ओहो, ये लो, इसके बगैर तो हमारा कुछ नहीं बन सकता लाइफ में, ये तो हमने डालना ही है। ऑल राइट जी, ये गया आलू, ये हमने स्पेशल मसाला बनाया है, बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत। एक्चुअली द सौंफ इज ऑल्सो डूइंग इट्स थिंग। क्या है ना कि सौंफ जो है वो मिर्च को काउंटर बैलेंस कर लेती है, एंग्लो इंडियन डिश है इसलिए मिर्च को काउंटर बैलेंस करने के लिए सौंफ डालते हैं। आप ना डालना चाहें तो मत डालिए, अवॉइड कर सकते हैं उसको। हाँ, ऐसा नहीं है कि सौंफ डालनी है। बाकी 5 मिनट बाद अपना मामला रेडी है, प्लीज़ गेट योर प्लेट। देखिए क्लासिकली जो रेलवे मटन करी है वो गाढ़ी होनी चाहिए, जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी जल्दी चीज़ ख़राब होगी। दूसरा, ये इसलिए भी गाढ़ी होती है बिकॉज क्लासिकली रेलवे मटन करी जो है ना वो ब्रेड के साथ खाई जाती है, और जाहिर सी बात है आलू डालना मत भूलिए वरना आपकी रेलवे मटन करी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट। देखिए अगर आप उनमें से हैं जो कहते हैं कि यार मटन के साथ आलू कौन खाता है, तो भाई साहब एक बार बना के देखिए, अगर उसके बाद आपको रेसिपी पसंद नहीं आई तो हम मूछें मंडवा लेंगे, ठीक है। और अगर आप उनमें से हैं जिनको स्पाइसी चाहिए लेकिन काली मिर्च नहीं चाहिए, तो एक काम करिए, ग्रीन चिली को स्लिट करके जब आप मटन भून रहे हैं ना साथ में डाल दीजिए। और अगर आप उनमें से हैं जो कि अभी भी कन्विंस्ड नहीं है, हैं, तो उनको खा के दिखाता हूँ। एक बार बनाइए और अगर मज़ा ना आए ना तो साहब पैसा वापस है। अच्छा, ग्रेवी थोड़ी पतली कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि भाई रणवीर ने बोल दिया गाढ़ी करनी है तो गाढ़ी करनी है। क्या है कि इमली भी जो है वो ग्रेवी को गाढ़ा करती है, प्याज भी गाढ़ा करता है, टमाटर भी गाढ़ा करता है, और क्योंकि ये एक्चुअली ब्रेड रोल्स के साथ खाया जाता था, चावल के साथ नहीं खाया जाता था, तो इसलिए इसकी ग्रेवी गाढ़ी होती थी। अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं ग्रेवी पतली कर लीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा और स्टॉक या पानी डाल लीजिए साहब, ठीक है जी। बाकी रेसिपी चेंज मत करिएगा, बाकी गॉड इज ग्रेट। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वरना जो है हम हो जाएंगे नाराज और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था जोर जोर से आंखें निकाल के।